नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी डिजायर और टाटा नेक्सॉन के XM वेरिएंट को। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि मारुति सुजुकी डिजायर मार्केट में मारुति का एक बहुत ही हाई सेलिंग केक है। जनवरी के महीने में अगर हम बात करें तो इसकी तकरीबन 22,000 से ज़्यादा की यूनिट्स बिक चुकी हैं। उसके बावजूद हम इसे कंपेयर करेंगे टाटा नेक्सॉन के साथ में, जानने की कोशिश करेंगे कि उसके टॉप एंड वेरिएंट के लिए जितने पैसे हम खर्च करते हैं क्या सच में हमें उतने पैसों में ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलता है, क्या टाटा की नेक्सॉन इससे कुछ बेहतर ऑफर करने की कोशिश हमें करती है। अगर हमें नेक्सॉन को डिज़ायर के ऊपर अगर चूज़ करना है तो वो क्यों करना चाहिए, ऐसे कौन से फीचर्स है या ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमें डिज़ायर को भूल जाना चाहिए और नेक्सॉन को चूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली नेक्सॉन एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन सब कॉम्पैक्ट SUV है। इस वीडियो में दोस्तों मैं जो भी प्राइसेस कोट करूंगा वो सारे एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम मारुति सुजुकी डिज़ायर की प्राइसिंग को नेक्सॉन के प्राइसिंग के साथ में कंपेयर करेंगे। उसके बाद में ये जानेंगे कि मारुति डिज़ायर हमें क्या ऑफ़र करती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्सॉन हमें क्या ऑफ़र करती है, और वीडियो के आखिर में हम ये चीज़ें जानेंगे कि वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें डिज़ायर में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिलते हैं, और वो कौन से 12 ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं नेक्सॉन हमें ऑफ़र करती है लेकिन जिसके लिए डिज़ायर हमें छोड़ देनी चाहिए, डिज़ायर में वो फीचर्स नहीं मिलते। अगर आपके जहन में बहुत सारे सवाल है कि हमें डिज़ायर ही लेनी चाहिए या डिज़ायर को भूलकर नेक्सॉन क्यों लेनी चाहिए, क्या नेक्सॉन डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट और एक पैकेज के तौर पर अवेलेबल है मार्केट में, एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है, क्या इसकी सेफ्टी, इसका परफॉर्मेंस, इसकी राइड एंड हैंडलिंग, ऑन रोड स्टेबिलिटी, ऐसी कई सारी चीज़ें डिज़ायर से बेहतर हैं। अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो उन सारे सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मारुति सुजुकी डिज़ायर और नेक्सॉन के प्राइसिंग के बारे में। डिज़ायर का पेट्रोल टॉप एंड वेरिएंट जो कि ZXi प्लस है, पेट्रोल में आपको मिलता है 8,21,612 रुपीज़ एक शोरूम कॉस्ट मुंबई। डीजल में अगर हम इसकी बात करें तो 9,06,000 रुपीज़ के आसपास आपको ये मिल जाता है। नेक्सॉन के XM पेट्रोल वेरिएंट की अगर हम बात करें तो ये आपको मिलेगा 7,70,000 रुपीज़, जो कि डिज़ायर के टॉप एंड वेरिएंट से 51,000 रुपीज़ सस्ता है। वहीं डीजल में अगर नेक्सॉन की प्राइसिंग की बात करें तो ये 14,000 रुपये महंगा यानी कि 9,20,000 रुपीज़ में आपको मिलता है, लेकिन ये हम इस वीडियो में जानेंगे कि उस 14,000 में नेक्सॉन XM वेरिएंट में हमें क्या क्या ऑफ़र करती है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं डिज़ायर के इंजन्स के बारे में। इसमें आपको मिलेगा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो आपके लिए जनरेट करेगा 82 BHP की पावर विथ 113 Nm का टॉर्क। वहीं 1.3 लीटर का डीजल इंजन विल प्रोड्यूस 75 PS की पावर विथ 190 Nm का टॉर्क। अब हम अलग अलग पैरामीटर्स को जानने की कोशिश करेंगे कि डिज़ायर हमें कौन से फीचर्स ऑफर करती है। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में डिज़ायर में हमें मिलते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हमें मिलेंगे DRLs, यहाँ पर हमें LED टेल लैम्प्स भी डिज़ायर में देखने को मिल जाते हैं, अलॉन्ग विथ हाई माउंट LED स्टॉप लैम्प। डिज़ायर में हमें एक्सटीरियर में मिलेगा बॉडी कलर बम्पर एंड बॉडी कलर्स डोर हैंडल्स, बॉडी कलर्स ORVMs हमें मिलते हैं अलॉन्ग विथ टर्न इंडिकेटर्स, प्रिसीजन कट अलॉय व्हील्स हमें डिज़ायर में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अगले कंटेंट की जो है इंटीरियर। इंटीरियर में डिज़ायर हमें ऑफर करती है लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, ड्यूल टोन इंटीरियर, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले विथ आउटसाइड टेम्परेचर एंड लो फ्यूल वार्निंग अलॉन्ग विथ गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इन्फोटेनमेंट। इन्फोटेनमेंट में डिज़ायर में हमें मिलता है एक स्मार्ट प्ले इन्फोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं डिज़ायर में। चार स्पीकर आपको मिलेंगे, ट्विटर एंड एंटीना भी आपको डिज़ायर में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की, जिसमें आपको मिलेगा पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप विथ स्मार्ट की, ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे,
डिज़ायर में आपको रियर एसी इवेंट्स भी मिलते हैं। उसके अलावा आपको रियर में एक आर्मरेस्ट मिलेगा अलॉन्ग विथ कप होल्डर्स। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको चारों के चारों पावर विंडोज़ मिलेंगे विथ ड्राइवर साइड ऑटो अप। पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाएगी टिल्ट ऑप्शन के साथ में, लेकिन इसमें आपको टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको मिल जाती है। चारों के चारों डोर्स में आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिलती है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की। किसी भी गाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो है सेफ्टी। सेफ्टी में आपको मारुति सुजुकी डिज़ायर विल ऑफर सुजुकी का हार्टेक प्लेटफॉर्म। हालांकि मारुति इसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रमोट करती है, लेकिन अगर ग्लोबल एनकैप की क्रैश टेस्ट रेटिंग देखी जाए तो उसी प्लेटफॉर्म पर बनी हुई मारुति की गाड़ियों को 0 स्टार से लेकर 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिली है। अगली चीज़ सेफ्टी में हमें डिज़ायर ऑफर करती है ABS प्लस EBD एंड ब्रेक असिस्ट। हमें डिज़ायर में ड्यूअल एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। उसके अलावा रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा। फ्रंट फॉग लैंप्स मिलेंगे और रियर डिफॉगर मिलेगा। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स भी हमें डिज़ायर में देखने को मिल जाते हैं और डे नाइट IRVM का ऑप्शन भी हमें डिज़ायर में मिल जाता है। जिस प्राइस में डिज़ायर हमें आती है उस प्राइस में हमें डिज़ायर में इतने ही फीचर्स और इतनी ही चीज़ें मिलती हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्सॉन में हमें क्या मिलता है सेम प्राइस में। नेक्सॉन के XM वेरिएंट में शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। इसमें हमें मिलेगा बॉडी कलर आउटसाइड डोर हैंडल्स, बॉडी कलर बम्पर्स, कॉन्ट्रास्ट पियानो ब्लैक ORVMs विथ टर्न इंडिकेटर्स। DRL भी हमें इस वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। डोर साइड बॉडी क्लैडिंग्स हमें देखने को मिल जाती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, LED टेल लैम्प्स मिलती हैं, व्हील आर्च क्लैडिंग मिलती है और रियर स्पॉइलर विथ LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प हमें देखने को मिल जाता है। डिज़ायर में हमें किसी भी तरीके का रियर स्पॉइलर नहीं मिलता। अब मुड़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो है इंटीरियर। इंटीरियर में नेक्सॉन में हमें मिलेगा 1 लीटर की बॉटल होल्डर इन ऑल द 4 डोर्स, जो कि डिज़ायर में भी मिल जाता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगी। मल्टी यूटिलिटी 15 लीटर का ग्लव बॉक्स हमें मिल जाता है अलॉन्ग विथ 2 कप होल्डर्स एंड विजिटिंग और अ क्रेडिट कार्ड होल्डर का ऑप्शन। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है और काफ़ी सारी यूनिक चीज़ों के साथ में हमें ये मिलता है। 100% फ्लैट फोल्ड रियर सीट मिलेगी। 350 लीटर का बूट स्पेस इसमें ऑलरेडी आता है। उसके अलावा अगर आप इसे और बढ़ाना चाहते हैं तो रियर सीट नए वाले फेसलिफ्ट में आप 100% फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा आगे के दोनों डोर्स में आपको अम्ब्रेला के लिए अम्ब्रेला होल्डर्स भी मिल जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंस्ट्रूमेंट पैनल। इंस्ट्रूमेंट पैनल में आपको डिस्टेंस टू MT, गियर शिफ्ट इंडिकेटर एंड इंस्टेंट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे बेसिक फीचर्स जो आजकल हर गाड़ी में मिलते हैं वही देखने को मिलेंगे इस वेरिएंट में। इंफोटेनमेंट की जहां तक बात है, नेक्सॉन के XM वेरिएंट में आपको हार्मन का कनेक्ट नेक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। उसमें आपको 4 स्पीकर आएंगे, AM, FM, USB, ऑक्सिन, iPod कनेक्टिविटी अलॉन्ग विद ब्लूटूथ जैसे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कॉल लॉग्स और कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन भी आपको इस सिस्टम में मिल जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की, तो नेक्सॉन हमें ऑफर करती है एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेडरेस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग विथ टिल्ट ऑप्शन, चारों पावर विंडोज, मैनुअल AC विथ हीटर और सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टी ड्राइव मोड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो कि सेफ्टी है। सेफ्टी के बारे में नेक्सॉन के आसपास आज की डेट में कोई भी कार नहीं फटक सकती। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। आपको इसमें मिलते हैं ड्यूअल एयरबैग्स, उसके बाद में आपको मिलेगा ABS प्लस EBD। नेक्स्ट इज ब्रेक डिस्क वाइपिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फ्री फिल आपको यहाँ पर मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपको यहाँ पर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट भी मिलता है। हिल होल्ड कंट्रोल आपको मिलेगा नेक्सॉन के XM वेरिएंट से ही और रोल ओवर मिटिगेशन जैसे ऑप्शन आपको नेक्सॉन के XM वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको मिलेंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज ग्लोबल
एनकैप 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स आपको नेक्सॉन के साथ में देखने को मिल जाती है, जो कि इंडिया की सबसे पहली सेफेस्ट कार। अब हम जानते हैं कि वो ऐसे कौन से फीचर है जो हमें मारुति सुजुकी डिज़ायर में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिलते हैं। डिज़ायर में हमें मिलते हैं अलॉय व्हील्स, जो हमें नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि डिज़ायर का जो वेरिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली टॉप एंड वेरिएंट है। तो कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें मिलेंगे वो डेफिनेटली XM में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर जो प्राइस हम पे कर रहे हैं डिज़ायर की, उस प्राइस में नेक्सॉन हमें कई ज़्यादा बेहतर फीचर्स ऑफर करती हैं। अगला फीचर डिज़ायर हमें ऑफर करेगी लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील। नेक्स्ट इज पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप। ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन भी डिज़ायर में मिलता है। डिज़ायर में हमें रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं। रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर हमें डिज़ायर में देखने को मिल जाता है एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ये 7 ऐसे फीचर्स हैं जो हमें डिज़ायर के टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन के XM वेरिएंट में नहीं मिलते। अब बात करते हैं दोस्तों 12 ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो हमें नेक्सॉन के XM वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाते हैं, तो हमें डिज़ायर के टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं मिलते, इसके बावजूद कि हम सेम प्राइस पे कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से, जो कि है ब्रेक डिस्क वाइपिंग। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। उसके बाद मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल। 5वां फीचर है हिल होल्ड कंट्रोल। 6th ऑप्शन आपको मिलेगा रोल ओवर मिटिगेशन। 7th पर आपको मिलेगा ग्लोबल एनकैप 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स। 8वां सेफ्टी फीचर है दोस्तों आपको रियर स्पॉइलर विथ LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प। 9वीं चीज़ है दोस्तों 15 लीटर का मल्टी यूटिलिटी कूल्ड ग्लव बॉक्स विथ 2 कप होल्डर्स, वॉलेट होल्डर एंड विजिटिंग कार्ड और अ क्रेडिट कार्ड होल्डर। 10वीं चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है आगे के दोनों डोर्स में अम्ब्रेला होल्डर। 11वीं चीज़ आपको मिलेगी दोस्तों इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हर्मन, जिसकी म्यूज़िक क्वालिटी और क्लैरिटी बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फीचर इज मल्टी ड्राइव मोड। सेम अमाउंट पे करने के बावजूद भी यहाँ पर डिज़ायर हमें कई सारे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स ऑफर नहीं कर पाती है, वहीं पर सेम प्राइस में नेक्सॉन हमें हमारी सेफ्टी को, हमारी फैमिली की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है, बेहतर राइड एंड हैंडलिंग ऑफर करती है, एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है और कई सारे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स हमें ऑफर करती है। तो सेम प्राइस में हम क्यों ना नेक्सॉन खरीदें रादर देन बाइंग अ डिज़ायर। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद में मुझे ऐसे लगता है कि नेक्सॉन डिज़ायर से ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट एंड वैल्यू फॉर पैकेज यहाँ पर उभर कर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, यानी कि अगर डिज़ायर के पेट्रोल टॉप एंड में अगर आप 821,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि नेक्सॉन के XM वेरिएंट से 51,000 रुपीज़ महंगा है, और अगर डिज़ायर के डीजल ऑप्शन में आप टॉप एंड वेरिएंट के लिए 9,06,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, वहीं पर XM 14,000 रुपये महंगी आएगी, यानी कि 9,20,000 में आएगी। अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइसिंग होने के बावजूद भी डिज़ायर हमें कई सारे बेहतरीन फीचर्स ऑफर नहीं कर पाती है, वहीं नेक्सॉन हमें टॉप ऑफ द लाइन के फीचर्स भी इस वेरिएंट में ऑफर कर देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेफिनेटली नेक्सॉन को चूज़ करेंगे सेम प्राइस में, एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।